हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंगानी की ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी, आई होप सारे अच्छे होंगे। सो आज है 12 तारीख और मायके से मेरी फाइनली विदाई है। सो आशु आ गए मुझे लेने के लिए, तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि मार्केट जाके कपड़े कुपड़े लेने हैं। मम्मी ने पैसे दिए हैं रियांश के और मेरे कपड़ों के लिए, तो पहले कपड़े लेने जा रहे हैं। और मेरी नंद जो हैं उनके लिए मुझे चांदी की रिंग लेनी है, तो मैं पहले रिंग लेने जाऊँगी। उसके बाद ये वाला कुर्ता, ये वाली कुर्ती डाल ली मैंने जो अगेन मीशो की है। इसका रिव्यू मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रखा है, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं आपसे मार्केट में। सो गाइस, घर से निकलते ही सबसे पहले मैं गई ज्वेलरी शॉप पे, जहाँ से मुझे लेनी थी चांदी की रिंग अपने लिए और दीदी के लिए। तो यहाँ पे ले ली मैंने रिंग्स। उसके भैया नमस्ते, कैसे हो? मेरे को ना वो सीप वाली चूड़ियाँ जो नहीं होती वो चाहिए। सीप वाली आती है, प्लास्टिक की होती है, जो सीप की बोलते हैं। रेड रेड हो, मैरून हो। तो गाइज, उसके बाद हम निकल गए थे मेकअप वाली मार्केट में, जो कॉस्मेटिक का सामान मिलता है यहाँ पे सारा, बहुत सारी शॉप है यहाँ पे। तो जिन भैया से मैं सामान लेती हूँ उनके पास गई थी मैं। इन मार्केट में दो भैया से सामान लेती हूँ, रिंकू बुने भाई करके नाम है उनका, इनसे लेती हूँ। तो फिर इनके यहाँ मुझे सीप वाली चूड़ियाँ लेनी थी, जो अगेन मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने यहाँ से काफ़ी सारा सामान लिया था, मुझे घर के लिए सामान लेना था, मंगवाया था मुझसे मेरी नंद ने और मेरी जिठानी वगैरह जो है उन्होंने मंगवाया था। तो वो सब सामान लिया मैंने। और उसके बाद रियांश के कपड़े लेने के लिए, पता नहीं ऐसा कौन सा ग्रहण लगा था आज के दिन, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मिल ही नहीं रही थी। रियांश के कपड़े भी मुझे ज़रा भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आए किसी भी शॉप पर। और फुल बाजू के लेने थे, हाफ बाजू के मिल रहे थे, तो हाफ बाजू के हमें लेने नहीं थे, फुल के ही लेने थे। बिकॉज घर में ठंड है गांव में, तो वहाँ के हिसाब से हमें फुल बाजू के कपड़े लेने तो नहीं मिले बढ़िया। सो उसके बाद हमें यहाँ पे कचौड़ी दिख गई और खाने का मन कर गया, तो हमने खाने के बजाय पैक करवा लिया, घर में सबके लिए ले गए, खुद भी खाया। घर जाके फिर यहाँ पे मम्मी वगैरह बात करी, तो यहाँ पे निकलने की तैयारी हो गई थी मेरी, तो मम्मी वगैरह कुछ बात कर रहे थे किसी चीज़ को लेके। और ये भी थे, आशु भी थे, रियांश के पापा तीनों थे, रियांश हो रहा था आई थिंक, और हम सब हंस रहे थे एक दूसरे की बात पे। तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया थोड़ा सा बात करते करते का। मम्मी देख रही है कि क्या कर रही है ये फ़ोन में, तो मम्मी को पता लग गया था वीडियो बना रही है। गाइस, यहाँ पे बात चल रही थी और इनको तो पता चल रहा था कि हाँ ये वीडियो शूट कर रही है। यहाँ पे मैंने पापा की तरफ फ़ोन किया, मैंने कहा पापा हेलो बोलो, तो पापा हेलो बोले। तो यहाँ पे कुछ बात चल रही थी पर्सनल बात, जो अगेन मुझे म्यूट करनी पड़ी, तो इसलिए मुझे म्यूट करना पड़ा। चलो आओ आओ, चलो मेरे गोदी आओ, चलो हम जा रहे हैं। चल चल चल, वो नहीं आ रहा, मैं अंदर नहीं जा रहा। तो गाइस, यहाँ पे मैं निकल गई अपने घर से और यहाँ पे मम्मी का मुंह थोड़ा सा उदास लग रहा है। आगे जब मम्मी निकल गए थे तब मम्मी रो रही थी, और मम्मी को देख के मुझे रोना आ जाता है हर बार ही, ऐसा होता है। मैं रोना नहीं चाहती हूँ ना, मैं रोती हूँ, पर मम्मी रोती है तो मुझे देख के रोना आ जाता है। और यहाँ पे मेरा फेस देख के लग रहा होगा थोड़ा सा रोई थी, ज़्यादा नहीं रोई थी मैं। और उसके बाद हम निकल गए, फिर रास्ते में पहुँच के फिर हमने थोड़ा सा घर जाके शूट किया था। घर जाने के बाद रियांश के कपड़े नहीं लिए थे, तो फिर ये मुझे बोले थे बदरपुर वाली मार्केट जाएंगे, वहाँ से देखेंगे रियांश के कपड़े। तो बदरपुर वाली मार्केट वाला ब्लॉग भी आएगा, तो आप लोग चेकआउट ज़रूर कर लेना। आएगा या फिर लाइव कर दूंगी, मतलब देख लेना आप लोग। तो गाइस, यहाँ पे हम पहुँच गए अपने कमरे पे, और उसके बाद मैं जाके बैग वुक रख के रेस्ट किया थोड़ा सा। उसके बाद चाय वाय बनाई, चाय पी के फिर हम निकल रहे थे बदरपुर वाली मार्केट के लिए। तो यहाँ से नेक्स्ट ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं आगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।